साहिब जियो। पातशाहियां की आत्मक ज्योत जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र निक्की कोट के बिच जुड़ बैठे बड़ भागी सत्संग की जनों सतगुरु जी की अपार कृपा सदका गुरु साहिब जी के पावन पवित्र चरण कमलों के बीच जुड़ बैठ के सतगुरु सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र बाणी का पाठ गुरमुख प्यारियां पासों गुरबाणी का रस भिन्ना कीर्तन सतगुरु सच्चे पातशाह जी के पावन पवित्र बचना की विचार सरवण करन का सुभागा समा बख्शिश होया है। दौड़ते भजते मन में सतगुरु जी के चरणों के जोड़द्या होया असीसा दास की झोली के पाओ ताकि तुहाडियां असीसा सदका इलाकी बाणी की विचार तुश बुद्धि के द्वारा की जा सके फतेह के रूप के सारी असीसा दिओ। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु सच्चे पातशाह अमृतमयी बचना के द्वारा मनुख के अंतर की भावना बयान करते हैं। गुरु साहब जी ने अमृतमयी बचना के द्वारा समझाया आखन लगे सुख कहो मान कै सब कहो दुख ना मान कै कोय सुख कहो दुख अगला मनमुख बूझ ना होए।
गुरु साहब जी ने अमृत में बचना ते द्वारा समझाया, कह लगे भी भलिया संसार ते जकर कोई सुख मंगता है, गुरु साहब जी के चरणों के विचार के हर कोई सुखा की चाचना करता है। जे कोई प्रभु परमेश्वर जी के चरणों के ध्यान जोड़ता, प्रभु परमेश्वर जी के चरणों के मंग करता, वह भी सुखा की मंग करता है। गुरु साहब जी के अमृतमयी वचन ने हर कोई जितों भी तुम देखो कि सुख चाहता सुख मंगता, गुरु साहब जी कहते हैं दुख ना मंग के कोई कदे भी जिंदगी के अंदर दुख कोई नहीं मंगता, कोई नहीं चाहता भी मैं संसार के सुखी हाँ थोड़ा जि दुखी हो जावा। हर कोई जो भी अरदास करता गुरु साहब जी के चरणों के बेनती करता, वो एको बेनती करता भी किसी ना किसी तरह सुखा की प्राप्ति हो जाए। इतने गल है गुरु साहब जी के चरणों के प्रभु परमेश्वर जी के घर के मंगण की। हुण दूजी विचार लै लो, बंदा संसार के जतन करता उपराले करता वह भी सुखा के वास्ते करता है। जिनी मनुख की दौड़ भज है संसार के केवल सुखा के वास्ते भी मैं जिंदगी के अंदर सुखी हो जावा, मैनू सुख प्राप्त हो जाए। तुम कदे भी वेखो जे एक किसान खेत के सवेरे तो लैके शाम तक मिट्टी नाल मिट्टी होया रहिंदा, मेहनत करता काल ना कालता है, मेहनत करद्या किसान के अंदर की भावना होती है भी किसी तरह मैं सुखी हो जावा, मैनू किसी ना किसी तरह सुख मिल जाए, मेहनत करके सुख प्राप्त हो जाए। हुण किसान की जिंदगी वेखो, किसान खेत के मेहनत करके भावना इहो लैके चलता कि सुख प्राप्त होवे। जे एक वणज करन वाला संसार के अंदर वणज कर रहा है, व्यापार करता पिया ते व्यापार करने वाले ते अंदर की भावना एको है भी मैं संसार ते विच सौदा बेच के व्यापार करके किसी ना किसी तरह सुखी हो जावा। कोई नौकरी चाकरी करता संसार ते विच, उसके अंदर की तान एको होंदी है भी नौकरी चाकरी करके किसी ना किसी तरह मैनू जिंदगी के अंदर सुख प्राप्त हो जाए। गुरु तेग बहादुर साहब जी के बचन गुरु साहब जी के चरणों के आप पढ़ते हैं। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते भी भलिया बंदा संसार के जिन्हें भी यतन करता सुखा के वास्ते करता, गुरु साहब जी ने अमृतमयी बचना के द्वारा समझाया, आखन लगे यतन बहुत सुख के किए दुख को क्यों ना कोए। गुरु साहब जी कहते भी बंदे ने जिन्हें भी जतन किए उपराले किए इसने हमेशा सुखा के वास्ते किए दुख को क्यों ना कोए, दुखा के वास्ते ते कदे कोई कालना ही नहीं करनी किसी तरह का, कोई जतन ही नहीं किया, कोई उपराला ही नहीं किया। और चाहता संसार के मनुख सुख है कि सुख प्राप्त हो जाए। गुरु तेग बहादुर साहब जी के बचन पढ़ के देखो, आसा रखते सतगुरु सच्चे पातशाह जी के अमृतमयी बचन ने, गुरु साहब जी कहते भी भलिया मैं अपने मन की हालत किस के अगे जाके बयान करा, किसनों समझावा, क्यों मन की हालत की है। गुरु तेग बहादुर साहब जी के बचन पढ़ के देखो, गुरु तेग बहादुर साहब जी ने मन का खुलासा किया, कह लगे भी मन मेरा संसार के सुखा की भाल के लग्या है, हर पास दौड़ा मिलता कदे किसी पास जाता कदे किसी पास जाता। गुरु तेग बहादुर साहब जी के बचन ने बिरथा कहो कौन स्यो मन की, भी मैं अपने मन की हालत किसते अगे जाके बयान करा, मैं अपने मन की दशा किसनों समझावा, क्यों। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अमृतमयी बचना के द्वारा समझाया, कह लगे लोभ किरसी और दस खुद इस धावत आशा लागे उतर की।
और मन की हालत वेखो, मन नूं तां के दुनिया की पदार्थां दी भी धन मिल जाए, संसार दे विच पदार्थ मिल जाण। गुरु तेग बहादुर साहिब जी कहिंदे मन लोभ दे विच ऐसा फसिया पिया, हुण दसां दिशावां दे विच दौड़दा फिरदा, कदे किसे पासे जांदा कदे किसे पासे जांदा। इक पासे दी गल छड्डो, गुरु तेग बहादुर साहिब जी कहिंदे दसां दिशावां दे विच दौड़दा फिरदा है। गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने जिक्र किया, कह लगे भी भले दसां दिशावां दे विच दौड़न दा कारण ते कोई होवेगा। गुरु साहिब जी कह लगे द्वारे द्वार स्वान क्यों डोलत लै सुत राम भजन की। मन द्वारे द्वारे ते जांदा इंज जांदा जिवें कुत्ता कदे किसे ते द्वारे ते जा के खड़ो जांदा कदे किसे ते द्वारे ते। जिहड़ा कुत्ता संसार ते तुसीं देखते हो भी आवारा, वह कदे किसे ते दर ते पहुंचदा कदे किसे ते दर ते। गुरु तेग बहादुर साहिब जी कह लगे भी मन की दशा भी कुत्ते की लियाई है, कुत्ता कदे किसे ते द्वारे ते पहुंचदा कदे किसे ते दर ते। कादे वास्ते गुरु साहिब जी ने अमृतमी बचना ते द्वारा गल समझाई, आखण लगे कि सुखां की तांग लैके चढ़दा भी सुख प्राप्त हो जाए। पर हुंदा की है, मन दसां दिशावां दे विच दौड़िया कदे किसे दे दर ते गया कदे किसे स्थान ते पहुंचा। गुरु साहिब जी कहिंदे ने होया कि सुख कह खेत बहुत दुख पावत सेव करत चढ़ चढ़ के। सुख कह के गुरु साहिब जी कहिंदे ने जतन ते कीता सी सुखां दे वास्ते, उपराला कीता सी सुखां दे वास्ते, दसां दिशावां दे विच दौड़ भज कीती सुखां दे वास्ते। पर मन नूं होया कि ओही मन कोल सुखां दी थां ते बहुत दुख पाउंदा पिया। हुण गुरु साहिब जी कहिंदे भी भलिया असलियत दे विच कारण की है। जतन सुखां ते कीते, उपराले सुखां ते कीते, गुरु साहिब जी कहिंदे संसार दे विच विचरिया बस इसे करके विचरिया भी सुख प्राप्त होवे। पर सुख प्राप्त होण दी थां ते सिद्धकी ते विच दुख आए ने। असलियत दे विच कारण इह है, मनुख नूं संसार दे विच इस गल दी समझ नहीं कि सुख मिलण के कित्थे। ਜਿਵੇਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇੰਜ ਦੌੜਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਭਾਲਾਂਗਾ, ਦੁਨੀਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਇੰਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਜ ਕੀਤੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰਛਾਈ ਹੈ। शरीर का परछावा पकड़न वास्ते तुसी दो कदम चलोगे, दो कदम होर अगे पहुंच जाएगा। और दुनियावी पदार्थां दे विच्चों बंदा सुख भालदा पिया। गुरु साहिब जी कहण लगे भी सुन, मैं तैनू जुगती समझाउंदा, ढंग समझाउंदा, तैनू असलियत दे विच सुख मिलते क्यों नहीं पए, तैनू सुखां दी प्राप्ति क्यों नहीं कोई। एक छोटी जी उदाहरण विचार लई, गल समझ दे विच आ जाएगी। किसे रानी का नौ लखा हार इल चुक के लै गई। हुण इल रानी का नौ लखा हार चुक के लै गई। रानी ने पातशाह नूं कहा, कहण लगी मैनू नौ लखा हार चाहिए। राजे ने गल बात की, कहण लगा भी भली होर नवा बनवा देंगे। रानी कहण लगी भी नवें की गल नहीं, हार कोई चाहिए जिहड़ी इल चुक के लै गई है। हार कीमती है, बहुत कीमती है हार, हार की कीमत बहुत है, हार चाहिए कोई है। राणी राजे ने की किया, राजे ने अपने सारे राज के विच ऐलान कर दिता। ऐलान किया उसने, दूर दूर तक खबर भेज दी। कह लगा भी जिसनों भी नौ लखा हार मिले ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੌ ਲੱਖਾਂ ਕਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਪਈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਰਾਣੀ ਦਾ ਨੌ ਲੱਖਾਂ ਕਾਰ ਜਿਸਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਰਾਜਾ ਦੇਵੇਗਾ।
हर कोई से पाल के तुरया फिरता भी नौ लखा काल किते मैनू मिल जाए अर्धा राज भाग मेरा होवेगा मैं संसार ते विच सुखी हो जावांगा एवी गल ना करनी पैंदी है। हुण उस स्थान ते हर कोई सुनदा पिया है एक लकड़खारा जिहड़ा जंगल के विचों लकड़ां कट के खोतियां ते भार लद के बाजार ते लिया के बेचता है इसके कन्नां दे विच वी खबर पई ते मन ही मन दे विच सोचता पिया मना जे किते नौ लखा कार मिल जाए ते एवें सारा तैना सिर खपाई करनी पैंदी है कम करना पैंदा पर कम छड के आराम करांगे मन ते आपू अपने सुपने होंदे ने खोतियां के उत्ते लकड़ां दा भार लद के जंगल के विचों चलिया अत की गर्मी के बैच छप्पड़ के किनारे ते आया छप्पड़ के किनारे ते आया उत्थे किक्कर का दरख्त किक्कर के दरख्त के थले खोतियां नूं खड़े करके उस स्थान ते आप बैठा थोड़ी देर वास्ते वह जिहड़ा किक्कर का दरख्त उस स्थान ते देखिया पानी के परछावा दिखाई देता पानी के बैठ दसिया भी नौ लखा कार पानी के पिया हुआ है जो नौ लखा कार पानी के वेखिया तो मन के बैठ खुशी हुई तो मन के विचार की भी मना नौ लखा कार मिल गया किस्मत ने साथ दे दिता नौ लखा कार मिल गया खोया इंच पी इन्होंने जिसने कार चुकया सी वह कितने आके किक्कर के दरख्त बैठी उसनों मार का टुकड़ा दिसया वह किक्कर की कार छड़ के अगे मार के टुकड़े पिछे चली गई किक्कर की टहनी के नाल कार लमकिया होया हुण जिहड़ा कार किक्कर की टहनी के नाल लमकिया होया उसका परछावा पानी के विच दिखाई दे रहा छप्पड़ के विच पानी भरिया पिया और छप्पड़ के विच पानी के अंदर परछावा दिखाई देता मन के विच विचार की सोचा मना एक खार मिल गया ते अत्ता राज भाग हुण मेरा ही है तैयारी की कमर कसर करके छाल उसके मार दिखती छप्पड़ के अंदर छाल मारी छाल मार के जो बाहर आया मुठिया खोल के वेखिया जो खोल के वेखिया तो छप्पड़ गंदा मंदा सी उसके बाहर आके कद खोल के वेखे की मिलया खत्ता के बिच केवल गंद मंद भरिया सोची पै गया कहिंदा मना किस्मत ने धोखा दे दिता नहीं तो राज भाग अपना ही सी वह पानी फिर खलो गया जो पानी खलोता फिर वो परछावा दिखाई देता कहिंदा खले थोड़ा को किस्मत साथ दे रही है दूजी बार फिर छाल मारी जो छाल मारी पानी के विचों की मिलया और की गंद मंद खत्तां के विच आया तीन चार बार छाल मार के उस स्थान से देखता पिया है कहिंदा खार हत्थां दे विच नहीं आउंदा पिया खार ते मिल गया किस्मत नहीं साथ दिंदी पई हुण विचार कीती उस स्थान ते इन्ने चिर नूं दाना पुरख कोई उत्थों दी लंघ रिहा सी उसने सवाल करके पुछ लिया कहिण लगा वी भलिया तेरा इहो जिहा हाल कादे वास्ते होया वो कहिण लगा वी भलिया तैनूं असलियत दे विच दसा इहो जिहा हाल क्यों होया नौ लखा कार मैनू मिल गया सी पर की करा पानी के विचों निकलता नहीं पिया वह कहिंदा भलिया किथे है वह कहिंदा आ वेख पानी के विच सामने दिखाई दे गया वह कहिण लगा भी तैनू भुलेखा तेरे मन के विच भरम है भरम किस गल का जिहड़ा कार तू पानी के विच देखदा पिया ते परछावा अल तैनू दिखाउंदा कार देख टहनी ते नाल लमकिया होया सच जाने ये किसे संसार दे विच लकड़खारे की गल नहीं है ये मनुख की जिंदगी की गल है मनुख सारी जिंदगी कमर कसे करके दुनिया भी पदार्थों के पिछे दौड़ भज करता रहिंदा दुनिया भी पदार्थ संभाल के रखता जो तो मुठियां खोल के वेखदा फिर उत्थे दा उत्थे कहिंदा सुख नहीं मिलिया सारी जिंदगी हो जाती है
ਜਿਉਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਰਕੇ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜ ਘਾਰਾ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਦਾਰਥ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾ ਨੇ, ਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਇੱਥੇ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੰਬੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਵੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਆ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੀਵੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਦੁਨੀਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਕੀ ਬਹੁਤੈ ਧਨ ਖਾਟੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਖੱਟ ਲਵਾਂ, ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭੱਜਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਤੰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਸੁਣ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਧਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਕੀ ਬਹੁਤੈ ਧਨ ਖਾਟੇ। ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਖੱਟਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਖੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸੁੱਖ ਨਾ ਕੀ ਵੇਖੇ ਮਿਰਤ ਨਾਟੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਂ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖਾਂਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਦਰੀਵੀ ਸੁੱਖ ਤੂੰ ਭਾਲਦਾ ਪਿਆ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਸੁੱਖ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜੁਗਤੀ ਸਮਝਾਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਕੀ ਬਹੁਤ ਦੇਸ ਕਮਾਏ। ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਰ ਲੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਯੁਗਤੀ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਟਿਕਾਣਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੁਗਤੀ ਸਮਝਾਈ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਉੱਚੋ ਹਰ ਸੁੱਖ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਕਰ ਕਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਧਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਜੋੜੇਗਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਸਗਲ ਪਹਿ ਲਾਥੇ, ਦੁੱਖ ਬਿਨ ਸੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਬਣ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਸਗਲ ਪਹਿ ਲਾਥੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਪਹਿ ਲੱਥ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ
कोई डर नहीं लिया, किसी तरह की कोई चिंता नहीं ली। प्रभु की शरण सकल पै लाथे, दुख बिर से सुख पाया, दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी, पूरा सतगुर ते आया। असलियत इतने बेनती करते हैं, मनुख संसार के दुखी इस करके होता है भी ये प्रभु परमेश्वर की के नाम की टेक न छड़ के होर संसार के टेका लैके चलता है। कदे किसी का आसरा, कदे किसी का आसरा। गुरु साहब जी कहते हैं होर टेका जिन्हिया ने जिंदगी के छड़ दे, रब जी के नाम की टेक लैके चल। एक सुभाविक तौर पर उदाहरण विचार के वेख लो, पुरातन समय के हिंदुस्तान की धरती से मेले लगते सन। मेले अज भी बहुते पिंड नेड़े लगते ने, उन्होंने पिंड लोग मेले के बच्चे जो जाते सन तो की करते सन, भी छोटे छोटे बच्चों नाल लैके चलते सन। मेला दिखाने की खातर छोटे छोटे बच्चों घरों लैके चलते, और छोटे बच्चे उन्होंने बच्चों के नाल मेला देखने वास्ते घरों खुशी खुशी तुरते हैं। खुशी अंतर चाओ है भी मैं मेला देखने वास्ते चलिया, मेले के रंग तमाशा होगा, कपड़ा कुछ होगा, मेला देखने वास्ते बच्चा घरों तुरैया। बुजुर्ग ने रस्ते चलते एक गल समझाई, बुजुर्ग गल समझा भी काका गल सुनते एक गल समझाते हैं, मेले के भीड़ बहुत होगी, इंज करी उंगल फड़ के चली, उंगल फड़ के चलेगा मेले के तेन सुख मिलेगा, मेले के तेन खुशी प्राप्त होगी। जे उंगल छड़ दी तो पुत्र ध्यान रखी मेला तेरे वास्ते दुखदाई हो जाएगा, दुखा का कारण बन जाएगा। हुण बच्चा कई फिर पिता के नाल मेले के सैर करद्या करद्या सैर सुभाए इंज कह लो भी रंग तमाशा वेखते हैं, जो अपने आप को सियाना समझ के कई बार अपने बुजुर्ग की उंगल छड़ दिता है। हुण घरों गया सी मेला देखने वास्ते, अंदर चाओ सी भी खुशी प्राप्त होगी, आनंद प्राप्त होगा, पर हुण मेले के की होया, जितों बुजुर्ग की उंगल छड़ी, उंगल छड़ते सार हुण उही मेला दुखां दा कारण बन के आए। दुखा का कारण क्यों बनिया? क्योंकि जेड़ी वस्तु पिता ने लैके देनी सी, जेड़ा खिडौना बापू ने लैके देना सी, वो मेले दे विच होर कोई नहीं लैके दे सकता। जेड़ी वस्तु जां जो पदार्थ बापू लैके दे सकता सी होर कोई नहीं दे सकता, ना कि उस तरह का प्यार होर किसी के कोलो जाके मिल सकता है। मेला देखने वास्ते घरों गया सी, हुण उही मेला जिंदगी दे विच दुखां दा कारण बन गया, सुख कोई नहीं दिखाई दिता पिया। हुण गुरु साहिब जी कहिंदे भी भलिया तू संसार दे विच इस संसार रूपी मेला देखण वास्ते आया है, ते तू एक काम कर भी गुरु के चरणां ते विच आ, गुरु तैनूं जुगती समझा रहा, गुरु तैनूं खौका दे के बार बार कह रहा, संसार रूपी मेले के विच सैर करदे आ, प्रभु परमेश्वर जी के नाम की उंगल का आसरा लैके चल। जे ते प्रभु परमेश्वर जी के नाम का आसरा लैके चलेगा, फिर ते सच जानी संसार रूपी मेला तेरे वास्ते सुखदायक होगा। जे तू रब जी के नाम की उंगल छड़ दित्ती, फिर सच जानी एक ही संसार तेरे वास्ते दुखां का कारण बन जाएगा। जिन्होंने प्रभु परमेश्वर की ते नाम की टेक लैके संसार के जीवन की अपने की जुगती बनाई, ढंग बनाया, वह संसार के सुखी हो गए हैं, उन्होंने सुख प्राप्त होया है। क्योंकि गुरु साहब जी के असी वचन पढ़ते हैं, अविनाशी जीवन को दाता सिमरत संभल कोई, गुण निधान भगतन को वर्तन बिरला पावे कोई, मेरे मन जब गुरु गोपाल प्रभ सोई, जाकी शरण पया सुख पाई है, बाकुड़ दुख ना होई। गुरु साहब जी की बाणी समझा रही है, मेरे मना तो इंज कर प्रभु परमेश्वर की ते नाम की टेक लै, मेरे मन जब गुरु गोपाल प्रभ सोई, उस प्रभु परमेश्वर की ते नाम की टेक लै,
प्रभु परमेश्वर की के नाम की टेक लेगा, प्रभु परमेश्वर की के नाम का आसरा लेके चलेगा। गुरु साहिब जी कहते जाकी शरण पया सुख पाई है, उस रब की दी शरण के विच सुख मिलेगा, उस रब की दी शरण के विचों आनंद की दात प्राप्त होगी, बाकुल दुख ना होई, फिर किसी तरह का कोई दुख नहीं व्यापेगा। ये प्रभु परमेश्वर की ते नाम की उंगल छड़ दिती, प्रभु परमेश्वर की ते नाम का आसरा जिंदगी दे विच त्याग दिता। फिर गुरु साहिब जी कहते ने हर थां ते तैनू सुख नहीं दुखी भोगने पैण के, हर थां ते तेरी जिंदगी दे अंदर दुख आवेगा, सुख कोई नहीं प्राप्त होवेगा। और गुरु साहिब की ते दर ते विचार के देखो भी जदों कोई प्रभु परमेश्वर की ते नाम की टेक लैंदा जिंदगी दे विच सुख किवें वरतदा है। भाई साहब भाई गुरदास जी ते बचन पढ़ के देखो, भाई साहब भाई गुरदास जी ने जुगती समझाई, कह लगे आल तेनू ढंग समझाते हैं, तेनू सह सुभाई गल समझ दे विच आ जाएगी। भाई गुरदास जी ने वचन किए, कह लगे जैसे किरतास कर जात जल बूंद भरी। भाई गुरदास जी ने उदाहरण दी, कह लगे भी तू जिंदगी कागज वेखदा है, असी सारी प्रैक्टिकल करके देख ली भी जिंदगी दे विच साडी कागज असी आम वरतों करते हैं। भाई गुरदास जी कह लगे देख जिंदगी दे अंदर कागज के उत्ते चार पानी दियां बूंदा पै जाण ते कागज गल जाता है। तुसी आम साधारण तौर पर वेख लो भी कागज पिया हो, कागज के पानी के चार बूंदा पिया कागज गल जाता। भाई गुरदास जी कह लगे जैसे किरतास गर जात जल बूंद भरी, पानी की बूंद पई ते कागज गल गया। पर भाई गुरदास जी कहते किरत संबंध जलमत सावधान है, कहते उसे कागज नो जे किते तू घिओ दे विच ठिंडा कर दे वे, घिओ दे विच पिओ दे वे, चेते रखी ओ कागज तू जिन्ना चिर मर्जी पानी दे विच पा के वेखड़ा कागज गलदा नहीं, उंज कागज तुसी पानी के विच पाओ गल जाएगा। ते भाई गुरदास जी कहते किरत संबंध जलमद सावधान है, जदों कागज किते घिओ दे विच ठंडा हो गया वह कागज फिर पानी के विच गलता नहीं। भाई गुरदास जी कह लगे तेरी जिंदगी संसार के विच हर वेले दुखां के अंदर गलती होगी, हर वेले तेरी जिंदगी के अंदर दुखा भी खुंदे पौणगे, तू इंज कर गुरु के चरणों के विच आ के जीवन नूं परमेश्वर के नाम के विच भिओ लै। जिस दिन जिंदगी परमेश्वर की ते नाम ते वैद भिज गई, उस दिन सच जाने किस तरह का कोई दुख जिंदगी ते वैद दुखी नहीं कर सकता, कोई संसार ते वैद दुख संसार ते अंदर दुख नहीं पहुंचा सकता। गुरु साहब की ते दर ते भाई गुरदास जी कहते असलियत ते वैद हले जिंदगी रब के नाम ते वैद भिजी नहीं है। जिस दिन जीवन भिज गया उस दिन भाई गुरदास जी कहते ने फिर किसी तरह का कोई दुख जिंदगी दे विच असर नहीं करेगा। गुरु साहिब जी के चरणों के विच आ जा। भाई गुरदास जी ने फिर होर उदाहरण दी, कह लगे सुन तेन एक गल होर समझा समझावा, जैसे कोट भार तूल तनक चिनक चढ़ तेन मेल दीपक में बाती विद्यमान है। करोड़ा रोहतियां पंडा पिया हो, करोड़ा रोहतियां पंडा के बैठ तुसी थोड़ी जी अग की चिणक पा दो, करोड़ा रोहतियां पंडा के बैठ थोड़ी जी अग की चिणक पाया, वह करोड़ा रोहतियां पंडा सारिया सड़ के सुहा हो जाएगियां। भाई गुरदास जी कह लगे भी गल बिल्कुल अखा के सामने पी है, हकीकत है। दुनिया के विचरते हैं पता, भाई गुरदास जी कह लगे वेख जैसे जिमें संसार के अंदर कोट भार तूल तरफ चिनक चढ़ वह करोड़ा रोहतियां पंडा सड़ के सुहा हो जातियां ने, पर कमाल की गल है तेल मेल दीपक में बाती विद्यमान है। भाई गुरदास जी कह लगे भी उसे रूह की तू बत्ती तैयार कर, बट्टी तैयार करके दीवा लै, दीवे ते बैठ रख, उसके अंदर तेल पा ते तेल पा के फिर उसनु बाल के देख। तेल मेल दीपक में बाती विद्यमान है, जदों उसनु तेल का सहारा मिल गया
तेल का सहारा मिलन तो बाद उसे रोटी वड्डी को दीवे ते वेज रखी कोई सलामत दिखाई दे रही है। क्यों? तेल का सहारा है, तेल का आसरा है, और उस दीवे ते वेज रखी वड्डी सलामत क्यों दिखाई दे रही है? भाई कुरताज की कहन लगे भी तेल का सहारा मिलया, और इसे तरह भाई कुरताज की कहन लगे देख तेरी जिंदगी नू किते तृष्णा की अग साड़ेगी, जिंदगी नू किते क्रोध की अग्नि साड़ेगी। जिस दिन गुरु साहब जी के चरणों के विच आ के गुरु के शब्द रूपी दीवे ते वेज अपने जीवन की वड्डी रख के रब के नाम का तेल पाले। जिस दिन गुरु के चरणों के विचार के गुरु के शब्द रूपी दीवे ते वेज अपने जीवन की वट्टी रखेगा, उस दिन गुरु साहब जी के चरणों के वेज रब जी के नाम का तेल पा, फिर तेरे जीवन की वट्टी नू कोई भी दुख संसार के वेज साड़ नहीं सकता। गुरु साहब जी के दर से भाई गुरदास जी ने समझाया, वेख उदाहरण वेख विचार के भी पढ़िया, तेनों होर संसार के बहुत उदाहरण भाई गुरदास जी ने दित्तियां ने। जैसे लोह कूट जात सलल में डारत, काष्ट प्रसंग गंग सागर न मान है। भाई गुरदास जी ने लिखा कहिंदे तेरी अखां के सामने वेख जिवें संसार के अंदर लोखा है, पानी के विच पाओ, पानी के विच पाउंदे आ सार की कुतम लोखा डुब जाता है। जैसे लो बूट जात सलन में डारत की, पानी के विच पाउंदे आ सार सी वेखदे आ लोखा डुब जाता। पर भाई गुरदास जी कहिंदे ने जदों ओ लोखा किते लकड़ ते ना लगता, काष्ट प्रसंगंग साधन ना मालक है, जदों किते लोखा लकड़ ते ना लगया फिर ओ किते जिहड़ा पानी उसकी परवाह नहीं करता, पानी के विचों दी पार लग जाता, गंग सागर ना मान है, फिर उस परवाह किते तरह की नहीं। गुरु साहब जी कहिंदे ने सुन, गुरु साहब जी के चरणों के विच जुड़, गुरु साहब जी के चरणों के विच जुड़ के अपना जीवन प्रभु परमेश्वर जी के नाम के नाल अटैच कर ले। प्रभु परमेश्वर जी के नाम के नाल जिस दिन जीवन जुड़ गया, फिर तैनू संसार के दुख किसी तरह दुखी नहीं करनगे, दुख तैनू संसार के विच दिखाई नहीं देवेगा, तेरी जिंदगी के विच हर थां ते सुख वरतेगा। गुरु साहब जी ने अमृतमयी बचना के द्वारा तयों यह गल समझाई है भी गुरु साहब जी के चरणों के विच आ जा, गुरु साहब जी के चरणों के विच आ के गुरु के शब्द को जिंदगी के विच टिका, ते गुरु का शब्द तेनों रब्बी चरणों के विच जुड़न वास्ते समझाता, रब जी के चरणों की टेक लै लै। एक ना सुभाविक तौर एक मैं बेनती करते हैं, कई बार असी सोचते हाँ भी गुरु साहब जी के चरणों के विच आया तो साड़ी जिंदगी के विच गुरु साहब जी के चरणों के विच आया सुख वरतेगा। गुरु के सिखा गुरु तेनों जो भी सिख्या दे रहा, जो भी उपदेश दे रहा, उस उपदेश के द्वारा तेरी जिंदगी संसार के विच सुखी हो रही है। तो सुखी हो गुरु तेनों संसार के करी सुखी रहा, कर सुख देने वास्ते तैयार है। ये जो असी गुरु साहब जी के चरणों के आ के घड़िया दो घड़िया जिन्ना भी समा बतीत करते हैं, कभी समय के बारे विचार के वेखो, असी कई बार सोचते हैं लो जी गुरु साहब जी के चरणों के इन्ना समा अज चुने बैठे हाँ संगत के विचार के, यह समा गुरु साहब जी के चरणों के विच बैठ के गुरु की बाणी की विचार करके किसी लेखे के विच लगया एवें अजाय नहीं गया। जो विचार के भी गुरु किवें रहमत करता, जो घड़िया सी गुरु साहब जी के चरणों के विच बतीत करते उन्हों की समझ आ जाए कि एक छोटी जी उदाहरण विचार लेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर जी की लिखी हुई पुस्तक है गीतांजलि, उन्होंने गीतांजलि पुस्तक के विच एक बड़े कमाल की उदाहरण दिती है। उदाहरण दिती उन्होंने और जो जिंदगी के विच एक सिद्ध भी दिती है, हुण वो पुस्तक गीतांजलि के विच उन्होंने बड़े कमाल की गल लिखी है। वह कहते हैं भी संसार के विच एक भिखारी है, मंगण वाला है, तो मंगण वाले की भावना भी हर वेले कदे ना कदे किसी के दर तो मंग के लिया, कदे किसी पासे जाना, कदे किसी पासे जाना,
एक दिन घर बैठा सी ते घर ते विच बैठे ने विचार कीती, कहन लगा भी मैं बादशाह दे घरों मंगण वास्ते जावांगा, राजमहल दे विच मंगण जावांगा, उत्थों इन्हां मिलेगा बादशाह धन पदार्थ देवेगा, की होवेगा जदों मंग के लियावांगा, घर दे विच मैं भी तनाट हो जावांगा, उस तों बाद मंगण दा काम छड्ड देवांगा। घरवाली कहती भी चंगी सोच है, कहिंदा वेखदा किसे दिन बादशाह के दरबार से मंगण वास्ते जावांगा, बादशाह के सामने खड़ो के जाचना करांगा। हुण इसने तैयारी की, सवेर नूं तैयार होया ते तैयार होके बादशाह के दरबार के विचों मंगण वास्ते चलिया। हुण बादशाह के दरबार के विचों मंगण वास्ते चलिया, घरों तुर पिया, तुरन लगिया, इसने की कीता, जो इसने कोल झोली है, दो तीन मुठियां चावल इसने अपनी झोली के विच पाए ने। भिखारी जदों भी कितने मंगण वास्ते तुरते ने, चेते रखे हो घरों कुछ ना कुछ अपना जो भी इन्हां दे कोल मंगण दा समान हुंदा, झोली होवे, कटोरा होवे, जो भी होवे, उस दे विच पा के लैके चलते ने। उसका कारण हुंदा भी जदों किसे दे पहले जाके मंगण वास्ते खलोणगे, अगला वेख के वास्ते भरम ना करे कि पहले भिखारी आके मेरे मत्थे लगे आ। इस संसार के अपनी नीत है, हम भिखारी घरों तुरैया, झोली के दो तीन मुठियां चावल पाए, तो चावल पा के घरों तुरैया, तुर के मन के विचार लैके चलिया, अज सोचा भी बादशाह के दरबार के मंग के लिया मंगा। हले थोड़ी दूर चलिया विचार बादशाह के दरबार के मंगण की, जो रस्ते के आया तो रस्ते के आके हैरान हो गया। चलिया सी बादशाह दे कोलों मंगण वास्ते, बादशाह रथ ते सवार है, इस नूं सामने आउंदिया दिखाई दिता भी बादशाह सामने आ रहा है। हुण बादशाह सामने आउंदिया देखिया, मन दे विच होर ख्याल आया, कहिंदा मना आ लै, हुण बादशाह इत्थे मिल जावेगा, इत्थे मंग लवांगा, उत्थे जाण दी लोड़ ही कोई नहीं। हुण थोड़ी दूर होर चलिया ते बादशाह दा जो रथ सी इस दे पासे आ रहा है। इस वेल जदों रथ आया, ये वेख के हैरान होया, कहिंदा कमाल की गल है, मैं चलिया सी बादशाह वल ते बादशाह मेरी वल आउंदा पिया, हले थोड़ी दूर पहुंचा, बादशाह दा रथ इस दे नेड़े आ के खड़ो गया है। बड़े कमाल की गल लिखी है, बादशाह का रथ नेड़े आके खड़ो गया। भिखारी मन के विच सोचता पिया भी हो सकता बादशाह जो मेहरबान होवेगा, कोई एको जी अंदर विचार होवेगी, अज सामने खड़ो के सोचता पिया भी बादशाह के कोलों मंगा, अगे चार कदम वधिया, कहिंदे बादशाह रथ के विचों उतरिया ते भिखारी के सामने आके खड़ो गया। हुण भिखारी के सामने बादशाह आके खड़ा, हुण इस दे अंतर विचार है, मैं मंगा, इस दे मंगण तो पहला बादशाह ने झोली अड़ी है, ते झोली अड़ के इसनों कहा भी जो कुछ तू मैनों दे सकता मेरी झोली दे विच पा दे। इखरान हो गया, कहिंदा मैं बादशाह दे घरों मंगण चलिया सां, ते बादशाह ते अज मेरे सामने खड़ो के मंगदा पिया, मेरे अंदर तां सी मैं बादशाह कोलों मंग के लियावांगा, पर हैरानी की गल है भी बादशाह रस्ते ते वैज इस स्थान दी आ के मिल पिया, और मिलदिया सार इसने मेरे कोलों मंग लिया। हुण मन ते वैज विचार आई, मना बादशाह मंगदा पिया कुछ ना कुछ देते हां, जिन्हां हत्थां ने जिंदगी दे विच कदे कुछ दित्ता ना होवे, सच जाणियो किसे नूं देण लग्गिया बड़ा संसार दे विच दुख हुंदा है। जिसने सारी जिंदगी मंगाई होवे, इकट्ठा ही कीता होवे, उसनु दो दाने भी देने पै जाण ते बड़े दुख की गल हुंदी है। हुण इसने झोली दे विच खत पाया, चौलां दी मुठ भरी, बाहर कढ़दिया कढ़दिया सारे चौल खतां दे विचों झोली दे विच ही निकल गए। मन दे विच ख्याल दूजी फिर हौसला कीता, कहिंदे अंत नूं बादशाह कहिंदा गल सुन, दो दाने चार दाने मेरी झोली के विच पा दे, मैं ये नहीं कह रहा आप कुछ पा, उसका कारण है मैनू किसी ने कह दिता भी तेरा राज भाग ता बचेगा जे किते जाके भिखारी दे कोलों मंगेगा, पा दे तो जो कुछ पाउणा है। कहिंदे जिवें तिवें करके इसने चार छे दाने झोली के विच बादशाह दी पा दित्ते,
चार शैताने जो भी पाए ने ओह कौन सवेर तो शाम तक भिखारी ने थां थां ते मंगया झोली भर गई है जिन्ना रोज बन के लिया सी उस तो कई गुना वध मिलिया पर मन ते बैठ कोई सोच चलती पई है अज वो चार दाने घट गए जेडे बादशाह नूं दित्ते ने सोचदा पिया मन दे विच विचार चलती पई है कहिंदा पिया चार दाने घट गए बादशाह नूं चार दाने दे दित्ते मिलिया कई गुना वध है सवेर तो ज्यों विचारदा पिया मंगदिया शाम नूं घर आया हालो बेखाल होया वो चार दाने नहीं विसरदे पए सोचदा पिया चार दाने पल्ले चले गए जबकि मंग के घर रोज लिया है अज कई गुना वध मिलिया पर इको ही गल अंदर बैठी हुई है चार दाने पल्यों गए ने क्योंकि जिंदगी दे विच इत्थे पल्यों कुछ नहीं गया सी घरवाली ने वेखिया पुछ लिया भी तुसी दुखी क्यों हो कहन लगा अज सारा दिन मंगदिया हालात ए होए ने चार दाने बादशाह नूं देने पै गए ने ओह कहन लगी तां की होया बादशाह नूं दित्ते ने कहिंदे हुण उसने झोली जिहड़ी सी उलट के वेखी उल्ट के वेखी ते वेख के हैरान कोई कहन लगी गल सुनो ये दसो बादशाह नूं किन्ने दाने दित्ते सी हुण इह कहन लगा भी चार दाने दित्ते सी कहिंदे तुसी कमले वाले दुखी होई जांदे हो तुसी बादशाह नूं चार चौलां ते दाने दित्ते ने आ वेखो बादशाह ने तुहाडी झोली दे विच चार सोने दीआं मोहरां पुआईआं ने हुण मत्थे ते खत मारी जांदा है कहिंदा मना जे किते होर भी मैं चौलां ते दाणे दे दिंदा ते होर भी अज सोने दीआं मोहरां मिलदीआं सज जाणिओ बादशाह इह कुछ करदा गुरु कहिंदा सिखा इक कम कर तू गुरु दे चरणां ते विच आ के कुछ ना भेटा कर अपनी जिंदगी दे चार सुआस गुरु दे चरणां ते विच अर्पण कर दे गुरु चारे दे चारे सुआस तेरे सोने दे कर देवेगा कीमती बना देवेगा कुछ ना भेटा कर जिंदगी दीआं चार घड़ियां गुरु साहिब जी दे चरणां दे विच आ के भेटा कर ओह चार घड़ियां गुरु एको जी रहमत करेगा गुरु दीन दुनी दा पातशाह तेरी जिंदगी नूं सवार देवेगा पर साडी जिंदगी दे विच इक्को ही ताक हुंदी है कई वार सोचते हां गुरु साहिब जी दे चरणां दे विच जो समां बतीत होया इह किहड़े लेखे ते विच है सज जाणिओ सानूं समझ नहीं हुंदी गुरु कृपा करदा गुरु रहमत करदा गुरु दे चरणां दे विचों इहो जी बख्शिश हुंदी है इक इक घड़ी गुरु साहिब जी दे चरणां दे विच बिताई होई गुरु साहिब जी दे दर ते नाम पाणी दा अभ्यास करके गुरु साहिब जी दे बचनां दे नाल सांझ पा के व्यर्थ नहीं जांदी इक इक सवास साडा गुरु दे चरणां दे विच ओह कीमती हुंदा गुरु साहिब जी दे दर ते रहमत हुंदी है इस करके गुरु साहिब जी दे दर ते भावना ते हर किसे दे अंदर हुंदी है सुखां दी गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने इक जुगती समझाई ढंग समझाया इंज कह लो भी रस्ता समझाया गुरु तेग बहादुर साहिब जी कहिंदे मैं तैनूं सुखां दी इक थां दस दिंदा ओह केड़ी थां है गुरु साहिब जी आखण लगे भी देख तू एवें भुलेखे दे विच कदे इधरले पासे कदे उधरले पासे ना जावी आले गुरु तेग बहादुर साहिब जी दा बचन पढ़ सब सुख दाता राम है दूसर नाखन कोई गुरु साहिब जी कहिंदे दूजा कोई सुखांती दात नहीं दे सकदा केवल सुखांती दात तैनूं गुरु साहिब जी दे चरणां दे विचों आ के रब दे दर ते जुड़ के मिलेगी सो गुरु साहिब जी दे दर ते अरदास करिए असी सुखां दी भाल अपने गुरु साहिब जी दे दसे सिद्धांत ते चल के गुरु साहिब जी दे बचनां ते जुड़ के अपने गुरु दे चरणां दे विचों प्राप्त करिए गलतियां भुल्लां दी खिमा सारी असीसां दिओ देखो सज्जण असीसणियां जको गै साहिब सो मेल गुरु साहिब की कृपा करन सारियां संतां नूं चढ़दी कला बख्शिश करन जिन्हां जिन्हां भावनावां लै के असीं गुरु साहिब जी दे चरणां ते हाजिर हुंदे हां गुरु साहिब की गुरमत अनुकूल सारियां दीआं शुभ भावनावां पूरियां करन सारिआं नूं चढ़दी कला बख्शिश करन आओ गुरु प्यार वालिओ असीसां दिंदे हां सारी पते बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह